बच्चों जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सेवन के अंदर देखो अपने चैप्टर नाइन है, उसमें 9.1 एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब 9.2 एक्सरसाइज है, तो 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो है योग ज्ञात करना है। अब योग है वो भिन्न दे रखी है आपको, योग का मतलब भिन्न कर रही है, भिन्न दी हुई है। तो भिन्न निकालने के लिए क्या करें, हम इसका लघुत्तम निकाल के इसको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहला आपको योग वाला क्वेश्चन है, इसी प्रकार दूसरा भी ज्ञात करने वाला वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मैं इसके दो दो तीन तीन आपको सम करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है योग करने का, उसका फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 5/4 प्लस माइनस 11/4। देखो 5/4 प्लस माइनस 11/4 आपको दे रखा है और बिल्कुल सिंपल है। देखो ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली हर, तो हर देखो दोनों में समान है तो इसका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, सीधा हर 4 ही रहेगा। इसका लघुत्तम क्या आएगा, सीधा 4 लिख देंगे और इसको ऐसा कैसा लिख देंगे 5, और ये प्लस की माइनस से गुणा होगी तो माइनस की 11 हो जाएंगे, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, अंश बटा हर, हर तो 4 का 4 ही रहेगा, 5 जल्दी भी लिख देंगे और ये माइनस 11 लिख देंगे। 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो 11 में से 5 माइनस हो जाएगा तो आपके आ जाएगा 6, तो माइनस का 6/4 आएगा और 6/4 को 2 के पारे से आता है, काट लेंगे माइनस 3/2, ये आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 आंसर आएगा इसका, क्लियर हो गया। तो आपको ऐसा आंसर निकालना माइनस 3/2, ठीक है। अब आपको इसी पता इसका सेकंड पार्ट है वो भी मैं बता देता हूं। सेकंड पार्ट में आपको ये दे रखा है 5/3 प्लस 3/5। अब देखो अगर आप इसका देखेंगे तो हर है वो अलग अलग है, या 3 है या 5 है, तो इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। और आपको लघुत्तम भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 3 और 5 अलग अलग पाड़े में आता है, 3 के पाड़े में 5 नहीं आता, 5 के पाड़े में 3 नहीं आता, तो इसका लघुत्तम सीधा ही गुणा करके निकालना, 3 × 5 = 15। अब लघुत्तम गुणा करके निकाला है तो आप क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पाड़े में आते हैं तो सीधे इसकी इससे गुणा करें, 5 की 5 से कर देंगे 25 और 3 की इस 3 से कर देंगे 9। समझ में आ गया, जब दोनों ही अलग अलग पाड़े में आते हैं तो सीधा ही लघुत्तम आपके इन दोनों की गुणा करके लिख लेना और इसकी इससे गुणा कर देना, 5 की 5 से कर देंगे 25 हो जाएगा, 3 के 3 से करके 9 बना देना, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 + 9। 25 में 9 जोड़ देंगे तो ये आपके आ जाएगा 34, क्या आ जाएगा 34/15, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है इसका, वो बता देता हूं, थर्ड पार्ट 9/10 प्लस 22/15। अब इसका आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम लेने का तरीका आपको मैंने बता ही रखा, ऐसे लेते हैं 10 और 15 लिख लेंगे, कौन से पाड़े में आते हैं, 5 के पाड़े में आते हैं, दे दो 5 के पाड़े में 10 दो बार बोलने पे और 15 हो 3 बार बोलने पे। अब ये दोनों ही संख्या अलग अलग पाड़े में आती है, पहले 200 दे देंगे 1 और 3 एडिटिव लिख देंगे, फिर 3 से दे देंगे 1 और 1, तो इसका लघुत्तम आया 5 को 2 से किया 10 और 10 को 3 से किया 30, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा 30 आएगा, तो आप नीचे लिख लेंगे 30, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 10 का भाग देना है 30 में, उसमें तो वो तरीका दोनों अलग अलग थे इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहां हमने जब लघुत्तम इस तरीके से लिया है तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, तो 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा 10 के बारे में 30 कितनी बार, 3 बार बोलने पे 3 को 9 से गुणा कर लेंगे, 9 × 27, तो माइनस का 27 आएगा। 15 का भाग, 15 के बारे में 30 कितनी बार बोले, 15 × 30 दो बार, और 2 को 22 से गुणा कर दे, 22 × 44, अब 44 में से 27 माइनस कर दो
14 में से 7 गए, 7 3 में से 2 गए, 1, तो आपका आएगा 17। तो इसका आंसर आएगा 17/30। ये आंसर क्या आएगा? 17/30 इसका आंसर आएगा। क्लियर होगा? 1, 2, 3 बता दिए, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 आप अपने आप कर लेना, 2 और मैं बता देता हूं, थोड़ा डिफरेंट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 1, 2, 3 तो मैंने लगातार कराए, 4th आपको अपने आप करना है, 5th भी करना है, मैं आपको 6 और 7 बता रहा हूं। इसका 6 पार्ट आपका ये, इसका ये दे रखा आपको -2/3 + 0। तो देखो 2/3 + 0 इसका आंसर तो क्या रहेगा? 2/3 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कोई लघुत्तम तो कुछ नहीं लेना, सीधा आंसर लिख लेना -2/3। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार इसका है 7th पार्ट, वो आपको दे रखा -2/1/3 + 4/3/5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको सही बिन में बदलो। 3 का पाड़ा 2 बार बोल लेंगे, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, तो -7/3 आएगा। 5 का बड़ा 4 बार बोलेंगे, 5 × 20 = 3 = 23। और अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया था, दोनों ही अलग अलग पाड़े में आते हैं, 3 और 5 दोनों ही अलग अलग पाड़े में आते हैं, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 3×15, सीधी गुणा करके लिख लेंगे, और इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे गुण देंगे, तो 7 की 5 से कर देंगे, -35 आ जाएगा, और 3 की 23 से कर देंगे, 69 आ जाएगा। इन दोनों अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, घट जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, इसमें से माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया 3। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये आंसर आपने निकाल दिया, ठीक है। तो आपके देखो 6ठा और 7ठा दोनों मैंने आपको बता दिए, कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में माइनस करना है, माइनस करना है, तो यहां आपने जहां प्लस किया वहां पे माइनस हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में ज्ञात करना है, क्वेश्चन का हेडिंग दे रखी ज्ञात, बात वही है, मान निकालो, ज्ञात करो, एक ही चीज होती है, कोई चेंज नहीं है। कभी आप सोचो ज्ञात करने का कोई अलग तरीका लगेगा, अलग कोई तरीका नहीं है, वही तरीका आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7/24 - 17/36, ये आंसर दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 24 और 36 का लघुत्तम तो लेना पड़ेगा, ले लो। देखो दोनों 4 के पाड़े, बड़ी में आए तो बड़ी से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के पाड़े में आता है दे दो, 4 × 24 = 36। अब ये 2, 3 के पाड़े में आता है दे दो, 3 × 6 = 3, 3 × 9, फिर 2 के पाड़े से दे दो 1 और 3, फिर 3 के पाड़े से दे दो 1 और 1। तो इसका लघुत्तम आएगा, 4 को पहले 3 से करेंगे 12, 12 को 2 से कर देंगे 24, और 24 को 3 से कर देंगे 72 आ जाएगा। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। बहुत आ गया, अब नीचे बहुत लिख देंगे आप,
चौबीस का भाग दे देंगे बहत्तर में, दे दो चौबीस दिया बहत्तर, तीन बार जाएगा और तीन को सात से गुणा कर देंगे तो यहां इक्कीस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कैसा, छत्तीस का भाग दे देंगे बहत्तर में, तो देखो छत्तीस को दो से गुणा करने पे बहत्तर होता है, यानी दो बार जाएगा, छत्तीस का भाग देंगे ना बहत्तर में तो दो बार जाएगा, दो को सत्रह से गुणा कर दो तो ये चौंतीस आ जाएगा, चौंतीस में से सत्रह इक्कीस माइनस कर दो तो देखो चार में से एक गया तीन और तीन में से दो गए तेरह बटा बहत्तर आंसर इसका है। क्या आएगा, तेरह बटा बहत्तर इसका आंसर है। क्लियर हुआ, तो आपके ये हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने इसका करवा दिया, पांच पार्ट है, सेकंड मैं नहीं करा रहा, अब इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूं, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में है, तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो तो है, उसके अलावा आपको करने हैं, सारे सब नहीं करूंगा मैं। देखो इसका थर्ड पार्ट है माइनस छह बटा तेरह और माइनस का दे रखा है सात बटे पंद्रह, ठीक है। और देखो तेरह और पंद्रह दोनों ही अलग पाड़े में आते हैं, तेरह के पाड़े में पंद्रह नहीं आता, पंद्रह के पाड़े में तेरह नहीं आता, तो इसका मतलब इसका लघुत्तम आप सीधा से तेरह के पंद्रह से गुणा कर लो, तो मैं गुणा करो तेरह पंद्रह पैंतालीस, तो पांच आंसर की चार, पंद्रह और चार उन्नीस, एक सौ पिचानवे इसका आएगा, इसकी गुणा करने पे क्या आ जाएगा, एक सौ पिचानवे आ जाएगा। ये गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेरह और पंद्रह दोनों ही अलग अलग पाड़े में आते हैं, तो फिर इसका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं, सीधे गुणा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, तो अभी मैंने आपको तरीका बता दिया, इसका इससे गुणा कर लो और इसका इससे कर लो, तो देखो छह की पंद्रह से गुणा करेंगे तो पंद्रह छह के नब्बे, माइनस के नब्बे आ जाएंगे, ठीक है। और तेरह की इस माइनस सात से कर लेंगे, तेरह सात इक्यानवे, माइनस के इक्यानवे आ जाएंगे। कर लिया पहले छह की पंद्रह से करिए पंद्रह छह नब्बे और तेरह के सात से कर दी इक्यानवे। अब क्या करना है, माइनस नब्बे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, इक्यानवे बटे एक सौ पिचानवे, इक्यानवे से नब्बे माइनस हो जाएंगे तो प्लस का एक बचेगा, एक बटे एक सौ पिचानवे इसका आंसर आएगा। प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड के बाद में इसका मैं आपको बता देता हूं फिफ्थ पार्ट, यही कर देता हूं मैं फिफ्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन दे रखा है माइनस दो से एक बटा नौ माइनस छह, तो इसके नीचे एक कर लो, पहले नौ का पाड़ा सही बिन में बदल लो, नौ दो नहीं अट्ठारह और एक उन्नीस, माइनस के उन्नीस बटा नौ और छह बटा एक, नौ ही आएगा इसको लघुत्तम, नौ और एक अलग अलग पाड़े में तो नौ ही आएगा, उन्नीस को नौ से कर देंगे माइनस का उन्नीस और नौ की छह से नौ छिंक चौपन, तो दोनों अलग अलग पाड़े में तो लघुत्तम नौ ही रहेगा, तो इसकी इससे और इसकी इसी गुणा बताई मैंने, ठीक है। तो उन्नीस माइनस के उन्नीस और माइनस के चौपन है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस उन्नीस और माइनस के चौपन जोड़ लो, नौ चार तेरह तीन आंसर आ गया एक पांच एक छह एक सात माइनस के तिहत्तर, तो इसका आंसर आएगा माइनस तिहत्तर बटे नौ। अगर मिक्स में पूछे तो बाहर देके मिक्स में निकाल दो, नहीं लेकिन इतना तो करना आप कर ही लो कितना आएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो आपके कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर दो के देखो मैंने तीन करा दिए, दो तो आपको करने हैं, दो दो तो क्वेश्चंस करो आप, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी तरह से। अब आपके आता है गुणनफल, ये तो लघुत्तम थे, लघुत्तम किसमें निकाला जाता है, जिसमें प्लस और माइनस का सिंबल हो तो लघुत्तम निकाला जाएगा, गुणनफल कहां निकाला जाएगा वो बता रहा हूं मैं आपको। गुणनफल के अंदर आपको बीच में गुणा का सिंबल होगा, किसका होगा, गुणा का आपको सिंबल दिया होगा, तो आपको गुणा करनी होगी, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, संख्या अगर आपस में कट रही है तिरछी तो हम उसको काट लेंगे, कटेगी तो काटना है, अगर नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन थ्री है,
क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका फर्स्ट पार्ट याद कर रहा हूं मैं, दे रखा आपको 9/2, ठीक है, 9/2 इंटू -7/4 ये दिया हुआ आपको, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो देखो गुणा का निशान है तो लघुतम तो लेना नहीं है, तो लघुतम लेना नहीं है तो काटना है। तो देखो इस दो के पारे से अगर 9 और 7 कट रहे तो काट दो, नहीं करते, दो के पारे में तो 9 आता है ना 7 आता है, और चार के पारे में 4 आता है, लेकिन ऊपर संख्या नहीं आती, इसका मतलब आपस में तिरछी कटेगी नहीं। तो फिर हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा ऊपर ऊपर वाले की होगी, लघुतम वाले मैंने बताया तिरछी होती, इसमें ऊपर ऊपर होगी, तो 9 के 7 से करेंगे -63 और 2 के 4 से कर देंगे 8, यह आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, -63/8 आएगा इसका, क्लियर हो गया। अब आगे और करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 3/10 इंटू -9 है, तो इसके नीचे 1 कर लो, मैंने बताया पहले, ठीक है, 1 कर लेंगे, नीचे नीचे वाले की गुणा कर लो, देखो कटेंगे तो वैसे ही नहीं, तो नीचे नीचे की गुणा और ऊपर ऊपर वाले की, इस 3 को 9 से करें 9 × 3 = 27 हो जाएगा, और 10 की 1 से कर देंगे 10 आ जाएगा, यह आंसर आ जाएगा। एक एक लाइन के है, कटे तो काटो बाकी आंसर निकाल दो। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट, -6/5 इंटू 9/11, क्लियर हुआ। अब आपको देखो कोई भी संख्या नहीं कट रही, आप 5 के पारे से कोई ऊपर वाली नहीं कटती, नहीं 11 के पारे से, तो आपको क्या करना है, गुणा ही करनी है, इस 6 की 9 से कर दो, 9 × 6 = 54 और 5 की 11 = 55, यह आंसर आ जाएगा। तो देखो कटनी है तो काटनी, नहीं कटनी तो सीधे गुणा करके आंसर निकाल रहे, बिल्कुल आसान है। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 3/7 इंटू -2/5, तो 3 की 2 से गुणा कर देंगे -6 और 7 की 5 से कर देंगे 7 × 5 = 35, तो यह आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीधी गुणा होने, 3 के -2 से कर 3 × 6 और 7 × 35, तो इस तरीके से आपका आया -6/35 इसका आंसर आएगा, क्लियर होगा। तो 4 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने, वो मैं नहीं कराऊंगा, देखो इसका फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है 9.2 एक्सरसाइज का। उसका फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है, जैसे कि हम निकाल रहे थे मान ही निकाल रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है -4 और बाघ का निशान दिया हुआ है 2/3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 की जगह नीचे 1 कर देंगे, कर दो, और देखो ऐसा बाघ कभी दिया हुआ नहीं जाता, ऐसा बाघ भिन्न वाला बाघ कभी नहीं देते, तो बाघ को हम क्या करेंगे, गुणा में बदलना पड़ेगा, किसे बदल देंगे, गुणा के रूप में आपको बदलना है बाघ को। तो पहली संख्या तो ऐसे कैसे लिख देंगे 4/1, और बाघ को जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 2/3 है तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे और कट रही है तो काट दो, देखो 2 के पारे से 4 और 2 कट रहे हैं तो काट दो, 2 × 2 = 2, 2 × 4, अब कोई संख्या नहीं कट रही, तो देखो ये 2 है वो माइनस के हैं, पहले हमने 2 के पारे 2 × 2 ये एक बार गया और ये 2 बार गया, अब ये -2 है ध्यान रखना, तो 2 को 3 से करेंगे 6
माइनस छह और एक की एक से करेंगे एक, तो छह में एक का भाग देंगे तो माइनस छह ही आएगा आंसर, क्या आएगा माइनस छह आएगा, क्लियर हुआ। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है माइनस तीन बटा पांच भाग का निशान दो, तो मैंने क्या कहा है जो भिन्न नहीं उसको भिन्न बना लो, तो नीचे एक लगा के उसको भिन्न बना लेंगे, माइनस तीन बटा पांच भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे तो संख्या हो जाएगी उलट जाएगी, एक बटा दो हो जाएगी, तीन एकम तीन कट रहा नहीं है तो तीन एक से कर देंगे तीन और पांच के दो से करेंगे दस, तो माइनस तीन बटा दस इसका आंसर है, क्लियर हुआ। तो ऐसे करना है, इसके दो पार्ट कराएं, आगे मैं और करा देता हूं, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, जो मैं करवा रहा हूं उसकी घर पे बैठ के बार बार प्रैक्टिस करो आप इसकी। तो देखो इसका फोर्थ का ही है सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं करा रहा मैं, फोर्थ पार्ट करा रहा हूं, फोर्थ पार्ट है। आपको दे रखा माइनस एक बटा आठ, भाग का निशान देख के आपको दे दिया तीन बटा चार। आपको करना क्या है, भाग को गुणा बदलेंगे, ये भिन्न पहले से दे रखी नहीं दी होती तो भिन्न बना लेते, तो माइनस एक बटा आठ लिख देंगे, भाग को गुणा बदल देंगे और चार ऊपर चला जाएगा तीन नीचे आ जाएगा, उलट जाती है, यानी भाग को जब गुणा बदलते हैं तो भिन्न होती है और उलट जाती है, क्योंकि ऐसा भाग दे नहीं सकते, तो इसको गुणा में बदल लिया हमने। अब गुणा में बदलते जैसे हमने क्वेश्चन नंबर तीन किया था उसी मेथड से इसको कर लेंगे। देखो चार के पारे में दोनों कटते हैं तो चार एकम चार, चार दुनिया आठ, तो ऊपर तो क्या है एक, तो एक की एक से करेंगे एक आ जाएगा, माइनस का एक आएगा, दो की तीन से कर देंगे छह, तो माइनस एक बटा छह इसका आंसर आएगा, क्लियर हुआ। ऐसे ही पांचों नहीं छठा करना, ठीक है पांचों बता दे तो चलो अभी दिया, तो माइनस दो बटा तेरह और भाग का निशान दे रखा है एक बटा सात, तो माइनस दो बटा तेरह लिख देंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे सात बटा एक कर देंगे। अब कोई भी संख्या आपस में कट नहीं रही तो गुणा कर लो, सात की दो से कर दो माइनस का चौदह और तेरह, तो चौदह बटा तेरह इसका आंसर है, क्लियर हुआ। इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है एट, नहीं सर एट नहीं सेवंथ है, सेवंथ क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो ये, तीन बटा तेरह भाग का निशान माइनस चार बटा पैंसठ, भाग को गुणा बदल देंगे तो पैंसठ ऊपर चला जाएगा चार नीचे आ जाएगा, तो पैंसठ बटे माइनस चार। तेरह के पानी में देखो पैंसठ आता, तेरह पंजे पैंसठ पांच बार बोल रहे, तो तेरह के पानी से काट लेंगे, तेरह कम तेरह, तेरह पंजे पैंसठ। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कट रहा तो पांच की इस तीन से गुणा कर दो, तो पांच दिया पंद्रह और चार की एक से हो जाएगी माइनस चार, तो पंद्रह बटे माइनस चार इसका आंसर आएगा, क्या आएगा पंद्रह बटे माइनस चार आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो आपके मैंने देखो दो दो होमवर्क में दिए, ज्यादा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में नहीं दिए, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करने है, और आपका आपकी 9.2 पर्सनालिटी पूरी कंप्लीट हो गई, चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, काम आप पूरा करना साथ के साथ, ठीक है। थैंक यू।